विजिलेंस की टीम रिश्वत खोरी पर लगाम कस रही है। ताजा मामला यमुनानगर का है। यहाँ स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करनाल की टीम ने साढ़ौरा के SHO SI धर्मपाल को थाने के अंदर ही 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया और मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो करनाल के इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि शिकायत मिली थी कि खनन सामग्री से लदे ट्रकों को साढ़ौरा क्षेत्र से सेफ निकालने के लिए SHO द्वारा 2500 प्रति वाहन की रिश्वत मांगी जा रही है। इस शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया। इस टीम में इंस्पेक्टर चरण सिंह और लेडी इंस्पेक्टर सीमा भी शामिल रहे। जी आज ये हमारे को एक शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी थी करनाल विजिलेंस थाना में कि जो सढ़ौरा थाना के SHO हैं SI धर्मपाल, उनसे जो है ओवरलोड गाड़ी प्रति गाड़ी निकालने की एवज में 2500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो 20 गाड़ियों के उन्होंने पैसे और गाड़ियों की लिस्ट वगैरह लेके आज बुलाया हुआ था, तो आज कंप्लेनेंट ने विजिलेंस शाखा में शिकायत दी एंटी करप्शन ब्यूरो में करनाल में, और उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई और इंस्पेक्टर चरण सिंह की अगुवाई में जो ये रेड की गई और रेड हैंडेड उनको थाना से गिरफ्तार किया गया। तो सर कहाँ पे पेश किया जाएगा इनको? कल यमुनानगर कोर्ट में करेंगे। तो सर कितने की बरामदगी हुई है, कितना कैश मिला है? 50,000 जो डिमांड की गई थी वो बरामद किए गए। बता दें कि शिकायतकर्ता को पाउडर लगे 50,000 और वाहनों की सूची के साथ थाने में अपने कमरे में बैठे SHO धर्मपाल के पास भेजा। इससे पहले की टीम ने धर्मपाल को दिए जाने वाले नोटों के नंबर नोट कर लिए थे। शिकायतकर्ता द्वारा SI धर्मपाल को रिश्वत की रकम व वाहनों की लिस्ट थमाते ही इशारा मिलने पर टीम ने धर्मपाल को काबू कर लिया। उसके हाथ धुलवाने पर नोटों पर लगे रंग से रंगीन हो गए। फिलहाल विजिलेंस ने रिश्वतखोर SHO SI धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।